नमस्कार, मैं डॉक्टर नैंसी सी आयुर्वेदा से। क्या आप लोगों को नींद कम आती है? आपकी नींद बार बार टूटती रहती है और आप बार बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप सोचते बहुत ज्यादा हैं, आपको डिप्रेशन रहता है, एंग्जाइटी रहती है। तो ऐसे में आपको कैसी डाइट रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, आज मैं आपको वो बताऊंगी। देखिए, जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपका वात दोष जो है वो इम्बैलेंस्ड हो गया है, बिगड़ गया है। उसको ठीक करने के लिए आप अपनी डाइट में रोजाना एटलीस्ट एक टाइम या दो टाइम एक चम्मच घी का सेवन जरूर करें। आप वो गाय का घी ले सकते हैं या भैंस के दूध का घी ले सकते हैं। उसके साथ आप दूध का सेवन जरूर कीजिए, एक गिलास दूध रात को जरूर पीजिए। उसमें हल्दी डाल सकते हैं आप, एक चम्मच आधा चम्मच, उसको अच्छे से बॉईल करके वो आप जरूर ले सकते हैं। उसके साथ आप पनीर लीजिए, दही एक कटोरी जरूर लीजिए। इस तरह की डाइट रखिए। मीठे फ्रूट्स जितने हो सकते हैं, जैसे केला है, चीकू है, मीठे एप्पल है, पपीता है, इस तरह के जो ज्यादा मीठे फ्रूट्स होते हैं वैसे ले सकते हैं। सब्जी सभी टाइप की आप ले सकते हैं, और जैसे आप फ्रूट्स ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं। दाल की बात करें तो आपको उड़द की दाल, राजमा, छोले, इनका सेवन करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि इन सभी में से एटलीस्ट रात को एक दो चीजें तो जरूर हो आपकी डाइट में। इसके साथ मैं आपको एक टिप बताऊंगी, जो आपको नींद कम आती है उसके लिए आप जायफल होता है उसको आप पीस लीजिए थोड़ा सा। उसमें भैंस का दूध एक चम्मच लीजिए, उसे पीस लीजिए सिलबट्टे पे, जैसे भी उसका एक पेस्ट सा बना लीजिए। उस पेस्ट को आप अपने फोरहेड पे लगा सकते हैं और इसको आप रोज अप्लाई कीजिए। साथ में आपको रोज रात को सोते समय इस बोनसिस कैप्सूल का इंटेक जरूर करना है। एक कैप्सूल आपको रोज रात को सोते समय लेना है, क्योंकि ये अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटी से बना हुआ है जो आपके वात दोष को बैलेंस रखेगा। और आपकी जो नींद बिगड़ गई है, आपकी जो नींद अच्छी नहीं आती है, आपको सपने बहुत ज्यादा आते हैं, डरावने सपने आते हैं, आपकी बार बार नींद टूटती है, वो प्रॉब्लम आपकी डेफिनेटली दूर हो जाएगी। तो इन बातों को फॉलो कीजिए, इस टिप को फॉलो कीजिए और इस डाइट को अपनी इंक्लूड कीजिए जो मैंने आपको बताया है, और आप देखेंगे कि आपका 15 से 20 दिनों में ही आपकी नींद की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू।